मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजते हुए हम बस मैं अभी नहा के आई और मैं रेडी हो रही हूँ कॉलेज के लिए। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली सब ऐसे ही थोड़ा सा काम और उसकी वजह से हो नहीं पाया था। तो अभी हमारी जस्ट डिक्लेयर हो चुकी है एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल एग्ज़ाम VNSGU की, और वहाँ से इनविटेशन आ गया है कि आपके एग्ज़ाम है 16 को और 19 को। तो उसकी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रही, एकदम तड़ाके भड़ाकेदार। और वैसे तो हमारी छुट्टी जैसा ही है क्योंकि एग्ज़ाम आ रही, तो सब घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमें बुलाया है क्योंकि वो हॉल टिकट देने वाले हैं और हॉल टिकट लेने जाना है कॉलेज पर, तो उसके लिए हम रेडी हुए हैं। तो बस ऐसे सुबह के 7 बज चुके हैं और ऐसे बाहर का मौसम एंजॉय करते हुए मम्मी हमारी खाना बना रही है, मतलब नाश्ता बना रही है हमारे लिए। चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, तो चलो अब बारी है जूड़ा लेने की, मतलब कि बन बांधने की। और ये रूल्स है मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज का कि आप हॉस्पिटल में हो या कॉलेज में हो, आपको आपके बाल बांधने ही पड़ते हैं, ये कंपलसरी है। देखो मेरा अभी से एक दो वाइट बाल हैं। हाँ क्या करें, अब ये तो सबकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलो खैर छोड़ो। तो मैं अपने बालों में बन बांध रही हूँ और ये पूरे दिन टिकना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए, अच्छे से रहे। और आपके बाल जब भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करो तो बीच में भी नहीं आने चाहिए। हम कॉलेज में आ चुके हैं और अभी कोई आया नहीं है, हम बहुत जल्दी आ चुके हैं, मैं और मेरी बहन। ये है हमारे सीनियर जी अमीषा दी। गुड मॉर्निंग दी, आपकी दी एग्जाम नहीं है ना अभी। ए फ्रेंड्स, तो हम क्लास में आ चुके हैं और आज हम हॉल टिकट लेने आए हैं, हमें हॉल टिकट देंगे। 7 तारीख को हमारा फर्स्ट पेपर है और 19 को हमारा सेकंड, वो हमारी VNSGU की एग्ज़ाम है। तो चलो देखते हैं सबकी कितनी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितना कितना सबने पढ़ा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं और लेते हैं प्रिया को। प्रिया कितना पढ़ा है तूने, बोल सच्ची बोलना। कुछ भी नहीं। चल झूठ मत बोल। गुड मॉर्निंग चिराग। यस आज व्लॉग, तू झूठ मत बोल, तूने पढ़ा होगा, झूठी कहेगी। मेरे व्यूअर्स भी तुझे देखते बोलते हैं कितना झूठ बोलती है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं, फिर देखेंगे कितने मार्क्स आते हैं। बाय तो बोल दे व्यूअर्स को। बाय बाय।
चलो मेघावी को भी पूछते हैं। मेघावी बोल, तेरा कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा कुछ तो बता दे एनाटॉमी में, क्या प्रिपरेशन, क्या पढ़ा? क्यों देखो बेचारे इतने टेंशन में, अभी बैग भी नहीं निकाला है, है ना? सब पे अभी टेंशन का माहौल चढ़ा है, बहुत सारा, सीरियसली। हाँ, सबकी बारी आती है, सबकी। देखो ये लोग अभी फ़ोन मचड़ रहे हैं, हमारे स्कॉलर स्टूडेंट है सब। ध्रुवी क्या कर रही है? ध्रुवी वो भी फ़ोन में ही स्नैप चढ़ा रही है। अच्छा, इंस्टाग्राम देख रही है। तो सुनीता, मैं बैठी हूँ। अच्छा, क्या ध्रुवी, क्या ध्रुवी बोल तो। अच्छा, देखो हमारे क्लास की एकदम अलर्ट गर्ल आ गई है, जो सबसे मुंह छुपाती है, उन लोगों को नहीं लेना है, कोई बात नहीं। और अब चलते हैं रुतिका के पास। रुतिका सच बोलना, कितना बड़ा है तुम्हें? ये लड़की हमारे क्लास की एकदम सिंसियर गर्ल है, और ये हमेशा यही कहती है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इसका सब कुछ। चाल चाल, तू झूठू रवा दे। हाँ ये भी सच है, ये झूठ नहीं बोलती है। तो तमे कई दर्शकों ने केवा मांगसो, थोड़ो घणो केवो माहौल छे, कैसा माहौल छाया है, एग्जाम का टेंशन चढ़ा है कि नहीं? ये अब आ रही है, पहले मुंह छुपा रही थी, अब बोल रही है मुझे लो वीडियो में। तू अभी तो बोल के गई। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी से तैयारी शुरू हो गई है, पढ़ाई चल ही रही है क्योंकि सबको मार्क्स तो लाने ही, ऑब्वियसली मार्क्स लाने। स्मिता देखो अपनी फ्रेंड्स के साथ, स्मिता तूने कितना पढ़ा? चलो ये सब लोग अब झूठ बोलने में माहिर हो गए, कोई सच नहीं बताता कि कितना पढ़ा, कोई बात नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का प्रेशर कितना है वो तो बता दो, पहली बार एग्जाम दे। अच्छा नहीं है ना, ऐसा ही रहना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट, हम कर लेंगे, बी कॉन्फिडेंट। तो हमारे क्लास के बॉयज भी आ गए, हॉस्टल बॉयज। बॉयज आप लोगों ने कितना पढ़ा? बहुत पढ़ा, ऐसा ऋषभ? चलो तो इस बार लगता है बॉयज बाजी मार जाएंगे, पहले नंबर। ओ फिलहाल तो थोड़ा बहुत आवड़ता है इन लोगों को। हाँ, इनकी मस्त हिंदी अब आप लोग समझ जाना। तो कुछ मेरे व्यूअर्स को आप लोग कहना चाहते हो? कुछ नहीं, हम तो। अरे आप लोगों की बड़ी तारीफ होती है, पता है, कमेंट पढ़ते हो आप लोग। चल चल चल। यहाँ पे तो चिराग, चिराग तू तो बोल कुछ, उस वीडियो में तू कितना बोल रहा था? वो नीचे हम एफआई लैब में थे तब। लगता है अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है ना, तो टेंशन है। ऋषभ तो देखो वो तो शर्मा ही रहा है, कुछ बोलेगा नहीं जाने। बस अब कुछ ही देर में सर आएंगे, तो सब बैठ गए ऐसे ही, या फिर मैम आएंगे। हिनल की बर्थडे है और हिनल चॉकलेट बांट रही है सब में। इसको देखो, इसको एग्जाम की प्रेशर। हिनल हैप्पी बर्थडे, तेरी बर्थडे कैसी गई? अच्छी गई, अच्छी गई ना? चलो अच्छा है, बढ़िया है। किस खुशी में? मुझे दो चॉकलेट मिली है क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली। ओह, और हमारी भी चॉकलेट। चलो फ्रेंड्स, हॉल टिकट कब आएगी पता नहीं, वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हॉल टिकट आ गई है आरती की, और वीएनएस जो आप देख सकते हो, वी नर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का फोटो। हमारे इतने सब्जेक्ट्स हैं। आरती आपको कैसा लग रहा है हॉल टिकट हाथ में लेके? मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्या लग रहा है? व्यूवर्स को सुनाई नहीं देगा, थोड़े जोर से बोलो।
टाइम अभी तो, लेकिन एग्जाम का प्रेशर फिर भी है। नहीं टिकट आ गई ना, अब घर पे चलते। चलो तो हम लोग जा रहे हैं, हाफ डे की हमने छुट्टी ले ली है और घर पे जाके पढ़ेंगे, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पूरे रेडी है हम लोग। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और घर पे आ गए हम दोपहर में, घर पे आ गए। एक्चुअली हमें हॉल टिकट मिल गई, सबको मिल गई हॉल टिकट, और फिर हमने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट किया कि अब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें छुट्टी दे दो हाफ डे की, और हम घर पे जाके पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज से क्या होता है ज़्यादा आवाज़ होती है और फ्रेंड्स होते हैं तो सबको पता ही है कि बातें ज़्यादा होती है राधर दिन पढ़ाई, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता तो हमने छुट्टी मांग ली। तो हमारी रिक्वेस्ट पे, और हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं तो वो हमें समझते भी हैं, हमारे सर टीचर मैम सभी, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें हाफ डे की छुट्टी दे दी। और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, तो फाइनली मेरी हॉल टिकट भी आ गई है। ये है मेरी हॉल टिकट, और ये है हमारा एक्चुअली वो क्या बोलते हैं प्रवेश गेट, प्रवेश लेने के लिए प्रवेश पत्र। शायद मेरी अभी वीडियो एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही है वो बाहर बारिश हो रही है, कल तो खतरनाक बारिश हो रही थी और इतनी खतरनाक, उसकी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में डाली है, बहुत डेंजरस बिजली कड़की थी, और बिजली मतलब ऐसी कि पानी में पानी गिर रहा था उसके अंदर बिजली, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में अभी करंट आ जाएगा, बहुत खतरनाक। अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे अभी मैं डाल दूँगी स्क्रिप्ट, तो लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और ये जो आवाज़ आ रही है बारिश की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सी इट, बारिश हो रही है बाहर बहुत, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पहले बहुत हो रही थी अभी थोड़ी कम हो गई है। हाँ तो पता नहीं फ्रेंड्स बारिश अब कब तक आएगी, होप नवरात्रि में बारिश ना आए, नवरात्रि तक बारिश चली जानी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली हम गुजराती जो होते हैं वो गर्मी के बड़े शौकीन होते ही है, हम ज़्यादा मैं तो पूरी दीवानी हूँ, तो गरबा बारिश नहीं हो पाती, मतलब अच्छे से गरबा हम खेल नहीं सकते बारिश की वजह से, तो बारिश बंद होनी चाहिए तब तक चली जाएगी, वैसे कोई बात नहीं, शाम को नहीं आनी चाहिए, दिन में चाहे कितनी बारिश लोग रात को नहीं आनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स आओ जो समय पर, बाय बाय, सी यू, खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो, खुश रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाय बाय, सी यू।